हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस वाया इनोलेट का पार्ट सिक्स। पार्ट सिक्स में हम आज पढ़ेंगे कि इनोलेट्स की सहायता से हम कैसे डिफरेंट कीटोन्स को बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, बेसिक इसका क्या है कि जब हम मिथाइल एस्टर एसीटेट का डिफरेंट एल्काइलेटेड या एसाइलेटेड डेरिवेटिव्स की कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस मतलब कि इसको हम डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ में जब हीट करते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, वन वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है और हमको डिफरेंट टाइप के कीटोन्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो आप देखो, इसमें जिस भी कीटोन को हमें बनाना है उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं इस फॉर्म में, और फिर हम देखते हैं कि हमें इस वाले सी एच पर कौन कौन से एल्काइल ग्रुप जोड़ने हैं। तो जिन एल्काइल ग्रुप को जोड़ना होता है उनको हम इथाइल एसीटोएसीटेट के एल्काइलेटेड डेरिवेटिव बना लेते हैं, फिर उसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। कैसे, ये देखो नीचे अभी दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसकी हाइड्रोलिसिस करके बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन क्या है, ब्यूटेनॉन को हम इस तरीके से जैसा कि मैंने बताया इस फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ सी एच और सी एच पे क्या क्या चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप चाहिए और एक हाइड्रोजन चाहिए। तो ये क्या हुआ हमारा, ब्यूटेनॉन हुआ, फोर कार्बन सिंपल उसमें, तो ब्यूटेनॉन टू है ना, सेकंड पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप है तो हम इसको कहेंगे ब्यूटेनॉन टू। तो इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, उस फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें सी एच पे क्या जोड़ना है, मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, यानी कि हमें मोनो मिथाइलेटेड डेरिवेटिव बनाना है। तो अब कैसे बनाएंगे, ये देखो अब नीचे चलें किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। ये है हमारा इथाइल एस्टर एसीटेट, ये रहा मॉलिक्यूल। अब इसको हमें मोनोमिथाइल डेरिवेटिव बनाना है, तो मोनोमिथाइल डेरिवेटिव के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस इथाइल एसीटेट की रिएक्शन किससे करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड के साथ। सोडियम इथॉक्साइड के साथ करेंगे तो इसका जो एक हाइड्रोजन है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा और मोनोसोडियम सॉल्ट बन जाएगा। जब मोनोसोडियम सॉल्ट बन जाएगा फिर उसकी हम रिएक्शन किससे करेंगे, CH3Br से, क्योंकि हमें मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। तो मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो यहाँ से जब CH3Br के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और हमारा यहाँ पर इस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, जैसा कि ये रहा, ये हमारा मोनोमिथाइल डेरिवेटिव बन गया इसका। अब इसकी हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के लिए वही डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, जनरली बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वन वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, ये रहा। और किस तरीके से कंज्यूम होगा, ये इस तरीके से टूटेगा, और टूटेगा तो ये वाला पोर्शन जो इधर वाला पोर्शन है ये तो क्या दे रहा है, इथाइल एल्कोहल, बीच में से यहाँ से क्या निकल गई, CO2 है ना, और बाकी वाला पोर्शन क्या दे दिया इसने हमें, कीटोन दे दिया। ये देखो अभी मैं इसको क्लियर करके बताती हूँ। अब देखो, अब जो ये वाला पोर्शन है ये तो ये क्या दे रहा है, कीटोन दे रहा है, और कीटोन कौन सा मिल गया हमें, ब्यूटेनॉन मिल गया। तो ये देखो CH3CO CH2CH3, यानी कि चार कार्बन है, देख लो यही हमें चाहिए था, ब्यूटेनॉन टू हमें बनाना था, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको जो भी कीटोन बनाना है उसको पहले उस फॉर्म में लिखना सीखो कि उसको इस फॉर्म में लिखना है, CH3COCH ये तो हमें मिलेगा है ना, और इसके साथ जो बाकी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो किस फॉर्म में हैं तो उसको इस स्ट्रक्चर में लिखो। जब आप इस स्ट्रक्चर में लिख लोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें कौन कौन से एल्काइल ग्रुप्स को इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह तो हमने बनाया ब्यूटेनॉन। अब आगे चलें, है ना, हमें क्या बनाना है, सिंथेसिस ऑफ मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, सिंथेसिस ऑफ मिथाइल
सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, यानी कि ऐसा कीटोन है जिसमें एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसको अगर हम देखें, ये देखो ये हमने यहाँ लिखा है, एक तरफ तो ये मिथाइल हो गया, दूसरी तरफ सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ये हो गया है ना, C2H5CH3 और CH और CH से जुड़ा हुआ है और ये हमारा कीटोन। तो ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अब हमने इसको इसको अगर हम IUPAC नेम देखें तो क्या है, 3-methyl pentanone, ये 5 कार्बन हो गए। और सेकंड पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे, तो क्या हो गया, 3-methyl pentanone 2, ये इसका IUPAC नेम है। थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप है, तो 3-methyl pentanone। अब इसको हमने अपने इस स्ट्रक्चर वाले फॉर्म में लिख लिया, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, है ना, यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें देखो आपको CH पे क्या क्या चाहिए, एक तो मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप ऐड करना है, दूसरा क्या करना है, मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। तो यानी कि जो हमारा इथाइल एसीटो एसीटेट है उसमें क्या करें, हमें डाई अल्काइलेटेड डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। डाई अल्काइलेटेड डेरिवेटिव बनाने के लिए यानी कि एक मिथाइल ग्रुप ऐड करना है और एक इथाइल ग्रुप ऐड करना है। तो अब इसको देखो, नीचे देखते हैं हम किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। ये देखो ये है हमारा इथाइल एसीटो एसीटेट पेरेंट मॉलिक्यूल है, इसे हमें बनाना है। हमें क्या, 2 alkyl ग्रुप ऐड करने हैं यहाँ पर, एक इथाइल ग्रुप ऐड करना है और एक मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। तो पहले हम कौन सा ऐड करते हैं, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है, तो बड़ा अल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से हम पहले बड़ा ग्रुप करेंगे, तो बड़ा ग्रुप कौन सा है हमारा, इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप को हम इसमें ऐड करेंगे, तो इथाइल ग्रुप को ऐड करने के लिए पहले वही पहले मोनोसोडियम सॉल्ट बनाएंगे, तो किससे रिएक्शन कराएंगे, इथाइल सोडियम इथॉक्साइड से, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा। फिर हमें क्योंकि इथाइल ग्रुप ऐड करना है, तो इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा, सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा और ये इथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, तो हमारा क्या हो गया, मोनो अल्काइलेटेड डेरिवेटिव बन गया। अब हमें ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस करना है, इसको किससे करना है, हमें मिथाइल ग्रुप से, तो मिथाइल ग्रुप से करने के लिए फिर से इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड से, तो ये वाला हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, और फिर इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे, मिथाइल आयोडाइड से, क्योंकि हमें मिथाइल ग्रुप ऐड करना है ना, ये तो ये मिथाइल ग्रुप से ऐड कर देंगे, मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया। अब ये मिथाइल ग्रुप आ गया यानी कि डाई अल्काइलेटेड डेरिवेटिव हो गया, एक मिथाइल ग्रुप आ गया और एक C2H5 आ गया। अब क्या करें, अब इस डाई अल्काइलेटेड डेरिवेटिव की हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करें, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस वही बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे, तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा, ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो ऑक्सीजन इस पे जाएगा, यहाँ से हमें इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगी और बाकी बचा जो हमारा कंपाउंड है वो कहाँ से आएगा, ये आएगा ये। तो क्या हो गया, ये देख लो वही हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो पेंटेनॉन हो गया ये, 5 कार्बन ये रहे। सेकंड पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो हमें क्या मिला, 3-methyl pentanone 2, जो कि हमारी डिज़ायर थी, यही हमें चाहिए था है ना, ये देखो ये रहा, तो 3-methyl pentanone 2 डाई अल्काइल की जब हमने हाइड्रोलिसिस करी तो हमको ये हमारा कंपाउंड मिल गया। तो इस तरह हम इससे कीटोन्स बना सकते हैं, प्राइमरी कीटोन्स और सेकेंडरी अल्काइलेटेड कीटोन्स। तो इस तरीके से हमें
आज हमने ये दोनों पढ़े। नेक्स्ट टाइम हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि और भी जो डिफरेंट कीटोन्स हैं वो हम मिथाइल एस्टर एस्टेट से कैसे बना सकते हैं। आज इतना ही। थैंक्स।